मैं कुछ इशू लगा के उसको नहीं देता था, इशू लगा के आपको पैसा नहीं मिलता था या आफ्टर वन ईयर टू ईयर टाइम लेता था। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा सदस्य संवाद का आयोजन किया गया है और तमाम स्टेट बैंक के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं और हमारे साथ फेडरेशन के अमरेश जी हैं, स्टेट बैंक के अमरेश जी से हम जाना चाहेंगे। अमरेश जी, किस मकसद से ये बुलाया गया? देखिए, भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ जिसका कार्यवृत्त पूरा पटना मंडल है, बिहार एवं झारखंड में जितने शाखाओं में हमारे अधिकारी कार्यरत हैं लगभग 7,500, तो कार्य करने के दौरान उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं। हमारा अधिकारी संघ सदैव उस कठिनाइयों को प्रबंधन के समक्ष रखता है और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास हर स्तर पर करता है। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने सदस्य संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है और लगातार हर जोन, हर रीजन में घूम करके शाखाओं में जा करके अपने सदस्यों से रूबरू हो रहे हैं और उनकी जो दैनिक समस्याएं हैं, जो समस्याएं उन्हें कार्य करने के दौरान आ रही हैं, उन समस्याओं को हम एकत्रित करके प्रबंधन के समक्ष उसको रख रहे हैं। जैसे हमने सुना, एक वक्ता कह रहे थे अभी कि मुंबई में जो स्टेट बैंक के अधिकारी हैं, जो सदस्य जोन के, कोई कैंसर पेशेंट वगैरह जाते हैं तो रहने की व्यवस्था नहीं है, सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है स्टेट बैंक को कि वहाँ रहने का एक अच्छा गेस्ट हाउस बनाया जा सके, तो क्या सरकार इन सब बातों को नहीं सुनती है? नहीं, एक्चुअली सरकार का तो बहुत बृहद दायरा होता है। हमारा अधिकारी संघ, हम पर्टिकुलरली पटना सर्किल के अधिकारियों से रिलेटेड कैंसर की केसेस कुछ बढ़ गए हैं बिहार झारखंड गंगा बेल्ट में ही पूरा, तो हम लोगों का बहुत एसोसिएशन के तरफ से बहुत सारे जगह पे गेस्ट हाउस है। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि मुंबई में अपना एक गेस्ट हाउस हो, जो हमारे अधिकारी या कर्मचारी कोई कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं और इलाज के लिए वो मुंबई जाते हैं तो वहाँ गेस्ट हाउस की कमी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि संख्याएं पूरे मुंबई में, पूरे भारत से लोग जाते हैं, तो अपने मंडल का अगर एक वहाँ गेस्ट हाउस होगा अधिकारी संघ का तो उन्हें हम लोग अच्छे से मुहैया करवा पाएंगे, सुविधापूर्ण रूप से मुहैया करवा पाएंगे। इस ओर हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि अपना एक गेस्ट हाउस वहाँ बन जाए। आज G20 की बैठक शुरू हुई है दिल्ली में, तमाम करीब 169 देशों के प्रतिनिधि जुड़े हैं। स्टेट बैंक भारत का एक अग्रगणी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी वहाँ पर कैंप लगा हुआ है। क्या मानते हैं कि इस बैठक के बाद एक नेता होने के नाते फेडरेशन का, आप भारत किस दिशा में आर्थिक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं? भारत के आर्थिक पृष्ठभूमि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जिस तरह से रेगुलेटर है, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारा भारतीय स्टेट बैंक भारत का एक अग्रणी बैंक इसलिए है क्योंकि यह आम जन का बैंक है और जिस तरह से वर्तमान सरकार या पिछली सरकारों की जो भी योजनाएं जनता से जुड़ी हुई आएँ और जनता तक पहुँचाने के लिए जब माध्यम भारतीय स्टेट बैंक को चुना गया तो हम अधिकारियों ने, भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने तन्मयता से उसको पूरा किया, चाहे वो सरकार की जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे PMJJBY हो, जो इंश्योरेंस स्कीम हो, हम लोग प्रत्येक योजना जो सरकारी, चूंकि हम सरकार का एक अंग है, उनकी आर्थिक इकाई है, उनकी आर्थिक सेना है, इसलिए सरकार का जब जब जो भी आदेश होता है स्टेट बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उसमें अब पूरी लगन के साथ जनता के लिए कार्य करते हैं। अमरेश जी, मैं बार बार आपसे पूछता हूँ कि आप अग्रगणी बैंक हैं, सब कुछ है, लेकिन प्राइवेट बैंक वाले आपको बहुत टक्कर दे देते हैं और आप लोग डरे रहते हैं। नहीं, कंपटीशन एक ऑलवेज, अगर हम लोग कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे तो समस्याएं आएंगी। प्रतिस्पर्धा बहुत आवश्यक है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो अगर जब प्राइवेट बैंक आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग भी अपने आप में लगातार परिवर्तन ला रहे हैं और हम लोग भी आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, तो हमारे अधिकारी ऑलवेज अपने आप में रिफॉर्म ला रहे हैं, बैंक भी ट्रेनिंग देती है लगातार और हम अभी भी नंबर वन बने हुए हैं और आप सबकी शुभकामना रहेगी और कस्टमर्स का सहयोग रहेगा तो हम भारत के अग्रणी बैंक बने रहेंगे। भारतीय स्टेट बैंक भारत का अग्रणी बैंक बना रहेगा, यदि कस्टमर उसके सेटिस्फाइड हैं तो निश्चित तौर पर अग्रणी बैंक बना रहेगा। हमारे साथ मैम, क्या नाम है? सीमा सिन्हा। कहाँ से आई हैं? पटना से हैं। पटना से हैं, तो अभी आपका नाम शायद लिया जा रहा था कि आपके नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण बैंक में हो रहा है। जी बिल्कुल, महिलाओं की संख्या बैंकों में बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले महिलाएं कम आती थी, अब इतनी ज़्यादा संख्या है तो उनका प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूँ, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि उनको जो कार्य करने में, बैंक में कार्य करने में जो कठिनाइयाँ होती हैं या जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको हम सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचा सकें। पहले देखा जाता कि बैंक जो है महिलाओं को बड़ा इक्का दुक्का बैंकों में महिलाएँ दिखती थी और है,
लेकिन आजकल देखा जाता है कि मतलब खूबसूरत महिलाएं प्राइवेट बैंकों जैसा स्टेट बैंक से लेके तमाम बैंक, तो क्या ये ग्राहकों को अपने तरफ आकर्षित करने का? नहीं, महिलाएं अब उस स्थिति में पहुंच गई हैं कि हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। अभी आप देखेंगे बिहार पुलिस में, टीचर में, हर जगह आपको महिलाएँ इतनी ज़्यादा संख्या में मिलेंगी, नेचुरली बैंक में उससे अछूते नहीं रहेंगे। जब महिलाएँ उस स्थिति में पहुँच गई हैं कि अब वो साझेदारी कर सकें तो आपको वो संख्या दिखेगी हर जगह। यही कारण है कि महिलाएं ईमानदारी से अपना 8 घंटा दे वो बात है। नहीं नहीं, ऐसा वो तो है ही, महिलाएं तो अपना काम, नहीं महिलाएं अपना काम अच्छे से करती हैं, इस चीज़ को देखा जाता है और इनको इनके कार्यशैली को गंभीरता से लिया जाता है, तभी वो हर क्षेत्र में आगे भी जा रही हैं और बैंक में अपना पूरा योगदान देती हैं, अपनी सारी परिस्थितियों को देखते हुए, अपने घर परिवार को देखते हुए। तो ये एक अच्छी चीज़ है और आप लोग को उसको अब स्वीकार करने की आदत डाल लेनी चाहिए कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में आपके साथ रहेंगे। पुरुषों को अब ये स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में आ रही हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप देख ही रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में भी आ रही हैं, यहाँ तक कि बिहार सरकार ने तो बिहार पुलिस की एक बटालियन में पूरा 33% का आरक्षण दे के रखा है। देखा जाए आने वाले समय में जब आज G20 में 169 से ज़्यादा देश दिल्ली में मौजूद हैं और जैसा कि फेडरेशन के नेता अमरेश जी ने कहा कि स्टेट बैंक तो अग्रणी बना ही रहेगा और भारत की इकोनॉमिक्स भी जिस तरीके से आगे निकल रही है, भारत निश्चित तौर पर चौथे पावदान में विश्व में एक अपना स्थान बनाए रखेगा। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।